टेस्ट ट्यूब बेबी एक लेमन लैंग्वेज है पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो रहा है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है हाँ ये ज़रूर होता है जो हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं आईवीएफ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस, जो बच्चा आपके शरीर के अंदर खुद से बन रहा था आप से आप उसको हम शरीर के बाहर बनाते हैं अब बात आती है कि हम उस बच्चे को बनाते कैसे हैं इसके लिए हम जो महिला होती है जो महिला पार्टनर होती है उसको हम लगभग रोज़ इंजेक्शन लगाते हैं जब महीना आता है महीना के दूसरे से पाँचवें दिन के बीच में हम ये इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं ये इंजेक्शन लगभग नौ से दस दिन लगते हैं महिला को रोज लगते हैं रोज़ लगने के बाद हम बीच बीच में अंडे की टेस्ट करते हैं कि अंडे कितने बन रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड पद्धति के द्वारा जाँच की जाती है जब उसके अंडे मैच्योर हो जाते हैं मीन्स एक साइज तक पहुँच जाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ये एग अब बच्चा बनाने के लिए सक्षम है तो जो महिला पार्टनर होती है उसको हम बेहोश करके हार्डली ये दस मिनट की बेहोशी मिलती है अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासाउंड का प्रोब नीचे वजाइनली डाल करके उसमें एक नीडल अटैच करके जो अंडे बने हुए थे अंडे के अंदर जो पानी होते और जो बीज होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो सेम टाइम हम हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं जो मेल पार्टनर होते हैं उनके हम शुक्राणु लेते हैं शुक्राणु लेने के बाद उन अंडों को हम लैब में ले जाते हैं। लैब में हम सारे अंडे उसमें से पानी से अलग निकाल करके उन अंडों को हम एक डिश एक स्लाइड्स बनाते हैं डिश बनाते हैं डिश के अंदर वो एग रखते हैं और एग के साथ हम स्पर्म को वॉश करके प्रॉपर्ली उसको जो ग्रोथ के लिए हमें मीडिया चाहिए जैसे आपको खाने के लिए भोजन चाहिए वैसे उस एम्ब्रियो को पनपने के लिए मीडिया चाहिए वो मीडिया उसमें डाल करके उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मींस जो एम्ब्रियोलॉजी लैब के एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसका एयर क्वालिटी सब कुछ कंट्रोल होता है उस तरह के एटमॉस्फेयर में इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड या ट्राई गैस जाता है उस इंक्यूबेटर के अंदर उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन होती है उसके अंदर हम उन डिशेस को रख देते हैं डिशेस को रखने के बाद उनको हम बच्चा बनाने के लिए छोड़ देते हैं उस कभी कभी किस किसी 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 केसेस में हमें ज़बरदस्ती अंडे में शुक्राणु को भी डालना पड़ता है नीडल के थ्रू उसको हम आई बोलते हैं लेकिन दोनों प्रोसीजर में उसे हम फिर इंक्यूबेटर में ही डाल देते हैं इंक्यूबेटर में डालने के बाद उसको हम नेक्स्ट डे ये नहीं कि उसको हम बार बार टच कर सकते हैं बिकॉज अगर आप जितने बार उसको टच करोगे उतने बार बच्चे ख़राब होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो उसको नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं नेक्स्ट डे चेक करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि दो सेल हुआ है कि नहीं टू पी उसको बोलते हैं टू प्रो है। बोलने का मतलब यह है कि वन प्लस वन मिला मतलब वन शुक्राणु मिला और वन अंडा मिला तो इससे दो बनना चाहिए अगर तीन बना या किसी वजह से ख़राब बना तो वो डिस्कार्ड हो जाता है अगर तीन उस दिन आपको प्रो न्यूक्ई बने वो बंद बन तो गए लेकिन वो तीन हैं तो उनको हम फेंक देते हैं क्योंकि वो तीन वाले जितने प्रो न्यूक्ई होते हैं इसका मतलब कि वो बच्चों में प्रॉब्लम है तो आप एक तरह से सोचो कि कुछ जो सिलेक्शन में जैसे कि एक नॉर्मल सिलेक्शन होता है तो बोलते हैं कि जब भगवान कुदरत का बना हुआ है कि अगर बच्चे में नॉर्मली होती है तो बच्चा डिस्कार्ड हो जाता है तो आप सोचो लैब में भी हम थ्री प्रो न्यूक्लियाई देख के उसको डिस्कार्ड कर देते हैं अब जो टू जितने बने वो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं नेक्स्ट डे उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने अंडे आए उतने ही भ्रूण बनेंगे उनको भी फिर आगे ग्रो करना पड़ता है वो दो से चार मल्टीप्लाई करेंगे उनके जो सेल होते हैं बच्चे नहीं मल्टीप्लाई होंगे वो बच्चा एक ही रहेगा एक जो दो सेल का हुआ है वो चार सेल होगा फिर वो आठ सेल होगा फिर वो आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनेगा डे फाइव जो डे फाइव का ब्लास्टोसिस्ट होता है वो मैक्सिमम एक एम्ब्रोलॉजी लैब में हम ग्रो कर सकते हैं उसके आगे वो नहीं ग्रो कर सकता उसके बाद हमें उसे फ्रीज़ करना पड़ता है फ्रीज मतलब कि आप सोचो आपके लेमन एंड लैंग्वेज में बच्चों को हम उसी स्टेज में सुला देते हैं कुछ बच्चे जो बने होते हैं जैसे अगर ज़्यादा बच्चे बने हैं तो तीन भ्रूण हम डाल देते हैं आपके अंदर रेस्ट ऑल को हम फ्रीज करके सुला देते हैं एंड जब ज़रूरत होती है आगे कभी कभी जब प्रेगनेंसी आईवीएफ की फेल होती है तो सेम हम थॉ करके डाल देते हैं और कभी कभी पेशेंट्स की प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर उसी भ्रूण को तीन साल चार साल के बाद पेशेंट अपने दूसरे बच्चे के लिए यूज़ करते हैं और इसमें कोई डर की बात नहीं होती है कि फ्रीजिंग है तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या नॉर्मली आ जाएगी इन चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दो फ्रीजिंग में भी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं इनफैक्ट वो बच्चे तो उसी एज पे फ्रीज हो जाते हैं जैसे आपकी तो उम्र बढ़ जाएगी चार साल में आपके अंडे और शुक्राणु खराब हो जाएंगे लेकिन बच्चे वैसे ही रहेंगे तो ये एक आई की पद्धति हुई पूरी जिसमें हमने बच्चे लैब में बनाया इसको हम आई बोलते हैं